उधर पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सचिवालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, साथ ही उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रदर्शन में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल थे। झड़प के दौरान सौमित्र खान को चोट लगने की खबर भी आई। तो दो तस्वीरें, बीजेपी का प्रदर्शन, आंसू गैस के गोले भी वहां पर दागे गए। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान दरअसल कार्यकर्ता भिड़े हैं, जिसके बाद स्थिति कुछ ऐसी, और ये भी खबर आ रही है कि झड़प के दौरान सौमित्र खान को भी चोट लगी है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे पश्चिम बंगाल की शाखा ने उत्तर बंगाल में भाई तेजस्वी और सुमित्र खान के नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया, किंतु ममता जी की सरकार ने जिस प्रकार अराजकता और गुंडागिर्दी देखी गई, निश्चित रूप से प्रजातंत्र की हत्या है। एक शांतिपूर्ण जुलूस जिसमें महिला कार्यकर्ता भी हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकना, उनके ऊपर टीएमसी के गुंडों ने बम फेंके और इस प्रकार अराजकता फैलाई। ममता बनर्जी की पुलिस और टीएमसी के गुंडे साथ मिलकर इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के विरुद्ध टीयर गैस शेल्स, कंट्री बॉम्ब और लाठीचार्ज किया है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता घायल हुआ है। ये हर दिन हर रोज बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब तक इस तानाशाही सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे, तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे, यही युवा मोर्चा के संकल्प है। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशिका, क्या जानकारी मिल रही है, क्या सौमित्र खान को भी चोट लगी है? जी देखिए, कई भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, और साथ ही सौमित्र खान भी बीमार पड़े थे। तेजस्वी सूर्य, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, पार्टी के जितने बड़े नेता थे, सभी को टीयर गैस का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से सभी की तबीयत जो है वो खराब हुई। हालांकि उनको वहां से हटा लिया गया समय रहते ही, और फिलहाल परिस्थिति नियंत्रण में है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता हर तरफ से जो है वो जो सचिवालय है उसको घेरने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के साथ भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद थी, जिनके साथ झड़प हुई है। पुलिस के बैरिकेड को तोड़ दिया है, कई जगहों पर वाटर कैनन और कई जगहों पर वाटर कैनन में रंग भी मिला करके बौछार की गई है। भाजपा के जो कार्यकर्ता है, प्रदर्शनकारी है, उनके ऊपर अर्पिता। तो बिल्कुल जिस तरीके से जानकारी आशिका दे रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इस तरीके से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, क्योंकि उनको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। आशिका, फिलहाल ये जितने भी प्रदर्शनकारी बीजेपी के थे वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं, स्थिति वहां कैसी बनी हुई है? देखिए, फिलहाल जो है पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया है, लेकिन कुछ देर पहले तक भी, काफी देर तक ये हंगामा चला है। बार बार जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो बैरिकेड की तरफ बढ़े हैं आगे, जिन पर लगातार पुलिस जो है आंसू गैस के गोले दागती जा रही थी, और वहां पर लाठीचार्ज भी किया मामूली पुलिस ने, जो भीड़ थी उसको खदेड़ने के लिए। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो बार बार हर तरफ से जो भाजपा के नेता है वो रैलियों को लेकर के और सचिवालय की तरफ बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तो फिलहाल पुलिस ने यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका है। कई जगहों पर पुलिस से झड़प भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता जो है भिड़ गए, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 एक्सक्लूसिव, ये तस्वीरें जहां पर एक टायर को आग के हवाले किया गया। तस्वीरों में जरा आप देखिए किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताना चाह रहे थे, जिसकी इजाजत ममता सरकार ने नहीं दी। और न सिर्फ इजाजत बल्कि जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो आंसू गैस के गोले भी उन पर छोड़े गए, जिससे बताया जा रहा है कई बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो घायल भी हुए हैं। बहुत सारे लोग जिनकी तबियत भी खराब हुई है, उसमें सौमित्र खान एक बड़ा नाम भी सामने आ रहा है। आपको ये तस्वीरें दिखा दें, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, आशिका हमारे साथ मौजूद है। आशिका, फिलहाल जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, टायर वहां पर धुंधू करके जल रहा है, क्या स्थिति है? आशिका,
जी बिल्कुल, फिलहाल तो परिस्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वहाँ पर जो गुस्साए कार्यकर्ता थे उन्होंने जो बैरिकेड थे उनको आग के हवाले कर दिया और वहाँ पर टायर भी जला करके विरोध प्रदर्शन किया। बार बार जो है वो सचिवालय की तरफ बढ़ते हुए नजर आए जिन्हें पुलिस ने रोका। तो ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से देख रहे हैं आप, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। अब से थोड़ी देर पहले हालात कुछ यहाँ पर ऐसे थे कि बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अपना विरोध प्रदर्शन जताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें वहां से हटाया। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से उनकी झड़प भी हुई और कई जगहों पर वहां स्थिति कुछ ऐसी पनपी कि वहां टायर में भी आग लगाए गए, जिसके बाद आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए, जिसकी वजह से बताया जा रहा है बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की तबीयत खराब हुई है। सौमित्र खान भी उसमें से एक नाम है। फिलहाल जिस तरीके से हमारी सहयोगी आशिका बता रही थी कि स्थिति पर नियंत्रण रख कर लिया गया है और वहां पर भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सीधी तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल की, जहां पर फिलहाल शांति बनाने के लिए सुरक्षा बल की टीम वहां पर जुटी हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन ममता सरकार ने उसकी इजाजत नहीं दी और उसके बाद जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई। आशिका हमारे साथ लगातार मौजूद है। आशिका, ये फिलहाल हम अभी भी देख रहे हैं कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के वहीं पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हालांकि जो बड़े नेता है वो वहां से हट चुके हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कई चरणों में ये झड़प हुआ है और फिर तीन बत्ती मोड़ जो सिलीगुड़ी का है वहां नहीं, दूसरी तरफ से फूलवाड़ी की तरफ से भी बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे थे जिनको पुलिस ने वहां भी रोका है। वहां पर भी इसी तरह से झड़प जो है पुलिस के साथ नजर आई है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश और साथ ही वाटर कैनन, टियर गैस, सेलिंग पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज भी देखने को मिला है। तो फिलहाल की तस्वीरें भी हम सिलीगुड़ी से देख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस बल आमने सामने आ गए? देखिए, हमारा जुलूस तो शांतिपूर्ण था। हम ममता जी के अराजक का, माफिया राज, अल्फान में जो पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है, चावल चोरी की गई है, मोदी जी ने जो भेजे गरीबों के लिए वो चावल नहीं बटे हैं, उसके खिलाफ हम वहां पर आंदोलन कर रहे थे। शांतिपूर्ण युवा मोर्चे का आंदोलन था, पर पुलिस ने वहां पर टीयर गैस, वाटर कैनिंग, आप देख सकते हैं हमारे पास वीडियो है, और टीएमसी के गुंडों ने देशी बम फेंके। एक देशी बम मेरे पास आकर फटा, तेजस्वी जी और हम लोग खड़े थे उनके पास आकर एक बड़ा तेजस्वी बम फटा, तो सिक्योरिटी वालों ने हमको धक्का दे दिया, हम लोग भी घायल हो जाते, हमारी सिक्योरिटी हमारे साथ थी। तो कुल मिलाकर अगर गुंडे और पुलिस मिलकर इस प्रकार शांतिपूर्ण जुलूस को कुचलेगी, प्रजातंत्र की हत्या करेगी, तो मैं समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारा शांतिपूर्ण जुलूस था और पुलिस ने अराजकता वहां पर की, टीएमसी के गुंडों ने वहां अराजकता की और उसके सारे वीडियो मीडिया वाले के पास भी है, आप देख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसी नादरशाही, ऐसी सामंतशाही मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। बंगाल में रोज प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, हमारे कार्यकर्ता की मौत भी हो गई है, एक कार्यकर्ता और सीरियस है और महिलाएं भी बहुत सारी बेहोश हुई हैं। लेकिन कैलाश, ऐसी भी खबरें आ रही है सौमित्र खान उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता कौन कौन से घायल हुए हैं? देखिए, जिस प्रकार से हमारे पास आंसू गैस का गोला फटा, देशी बम फटे, तो एक मिनट के लिए तो मैं, तेजस्वी, हम सब लोग भी मतलब एकदम बेहोशी की हालत में आ गए थे, क्योंकि दो दो उन्होंने चारों तरफ से चार पांच आंसू गैस के गोले हमारे आसपास फेंक दिए, तो हम भी घबरा गए थे। तो सिक्योरिटी वालों ने हमें पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और अभी भी आई एम नॉट फीलिंग वेल, मतलब अभी भी हमें कहीं ना कहीं बहुत चक्कर से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज देशी बम की आवाज भी बहुत तेज थी और आंसू गैस के गोले भी वहां पर बहुत चारों तरफ से उन्होंने फेंके। और मैं समझता हूँ कि ऐसी अमानवीय हरकत ममता जी की पुलिस करेगी, इसलिए हमें कल्पना नहीं। नहीं, कैलाश जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा स्पष्ट कीजिएगा, ये देसी बम जिसका जिक्र आप कर रहे हैं ये किसकी तरफ से फेंके गए? ये कुछ अराजक तत्व वहां पहुंचे थे? ये टीएमसी के गुंडे थे जो पुलिस के साथ खड़े थे, छतों पर खड़े थे, वहां से फेंक रहे थे और हमारे पास आकर फटाए। तेजस्वी सूर्या जी, हम और निशित प्रमाणिक जी, हम सब थे, वो तो हमारे सिक्योरिटी वालों ने एकदम देखा और हमको जोर से धक्का दिया, तो हम एक दूसरे ऊपर गिरते हुए समकते हुए अलग हटे, तो हम सब लोग घायल हो जाते।
तो फिलहाल आप जरा बताएंगे, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे इसलिए बखूबी बता सकते हैं उस समय ऐसी क्या परिस्थितियां बनी वहां पर, कैसे अचानक से ये गुंडे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं पहुंच जाते हैं और वहां देसी बम तक फेंक देते हैं। देखिए, इन बंगाल में देसी बम की फैक्ट्री बहुत है, बहुत आम बात है, कभी भी फट जाते हैं, क्योंकि मैं तो 6 साल से यहाँ बंगाल में हूँ तो मेरे तो आदि हो गया बम के आवाज सुनने के, तो यहाँ तो फेंक ही देते हैं हमेशा। पर पुलिस खड़ी हो, पुलिस के सामने फेंके, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के साथ फेंके और पुलिस में उनके साथ खड़ी हो, तो ये तो अराजकता है। मैं समझता हूँ कि ये तो प्रजातंत्र की हत्या है और ये नेक्सस पुलिस और गुंडों का ये बहुत अलार्मिंग है। और इसलिए ममता जी महिला मुख्यमंत्री है, महिलाएं बेहोश हो गई बहुत सारी, महिलाओं के साथ इस प्रकार की अराजकता, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन कैलाश जी, कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी बैरिकेड जो लकड़ी के वहां पर लगाए गए थे उनको गिराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे वक्त पर जब आप भी कई जगहों पर, चाहे दिल्ली में किसान आंदोलन देख लीजिए, यहां पर भी लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वो घर अभी निकले ना, प्रदर्शन ना करें, उनको इजाजत नहीं दी जाती, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आपको नहीं लगता कि शांतिपूर्ण तरीका कहां दिख रहा है तस्वीरों में फिलहाल? देखिए, बैरिकेड तोड़ना, हम जहां तक का हमने जो टारगेट किया था वहां तक पहुंचना, ये हमारा प्रजातंत्र में अधिकार है। बैरिकेड पुलिस ने लगाए, ऐसे समय लगाए जबकि हमारा आधा रास्ता भी पूरा नहीं हुआ था, तो हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले थे और प्रदर्शन करके वहां भाषण देके चीजों को समाप्त कर देते, डेमोक्रेसी में ये तो विपक्ष का अधिकार है। पर आप सिर्फ यही बैरिकेड नहीं लगे, जिलों से आने वाले बाहर के कार्यकर्ताओं को भी रोक दिया गया, कम से कम 10,000 कार्यकर्ता हमारे सिलीगुड़ी के बाहर ही है, उन्हें आने ही नहीं दिया। तो ये प्रजातंत्र में इस प्रकार आंदोलन को कुचलना, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको, उसके अधिकार को कुचलना, मैं समझता हूँ ये तो बहुत अराजक सरकार है और यहाँ प्रजातंत्र बचाना बहुत जरूरी है, बंगाल को बचाना बहुत जरूरी है। कैलाश विजयवर्ग जी, एक अपडेट मैं आपसे और चाह रही हूँ, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके वहां पर ढेरों कार्यकर्ता मौजूद थे, इस तरीके की स्थिति वहां उत्पन्न होती है, कैसी हालत में कार्यकर्ता हैं? ज्यादा गंभीर रूप से भी घायल हैं कोई आपके कार्यकर्ता? हाँ, 3-4 कार्यकर्ता हमारे अनकॉन्शियस हैं और एक कार्यकर्ता अभी और सीरियस है और काफी कार्यकर्ताओं के फ्रैक्चर भी हुआ है, पुलिस ने बहुत बुरी तरह लाठीचार्ज किया और पथराव किया गुंडों ने, तो ये सब परिस्थितियों के कारण कार्यकर्ता घायल तो होते, हजारों की संख्या में थे, कुछ तो पहुंच ही नहीं पाए, कुछ कहाँ है अभी पता नहीं, तो एक एक करके सब जानकारी मिलती जा रही है। तो कैलाश जी, ये जो पत्थरबाजी का जिक्र आप कर रहे हैं, ये सिर्फ उन गुंडों की तरफ से हुआ या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी हुआ? देखिए, शुरुआत तो गुंडों की तरफ से हुई थी, हो सकता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी बीच में, क्योंकि बहुत बड़ा जनसैलाब था और कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद स्वरूप 2-4-5 पत्थर फेंके हो, पर पथराव, आशुगेश, बम, ये सब सरकार और सरकार के द्वारा प्रायोजित गुंडों के द्वारा किया गया। तो कैलाश विजयवर्गीय जी, और अगर कोई अपडेट हो, क्योंकि सौमित्र खान के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें भी काफी चोटें आई हैं, उनकी तबीयत अभी कैसी? हाँ, सभी मैं कह रहा हूँ ना कि हमें टारगेट करके हमारे ऊपर आशुगेश की गोली फेंक दी, सबसे आगे हम थे और कार्यकर्ताओं को उन्होंने, जो हमारे आगे चल रहे थे उनको तितर बितर कर दिया था, किंतु हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे तो उन्होंने एकदम 5-7 एकदम गैस, टीयर गैस के गोले फेंके, जो कि हम लोग, अगर सिक्योरिटी हमारी नहीं होती तो शायद हम लोग भी वहां पर पड़े होते सड़क पर, इसी बुरी हालत हो गई थी हमारी, तो चारों तरफ से पुलिस ने भी घेर लिया था, पर हमारे सिक्योरिटी वालों ने हमको बिठाकर गाड़ी में डाला और गाड़ी में डाल के वहां से ले गए, तो हम गाड़ी में हमने पानी वानी पिया, अपना मुंह धोया, तब जाकर हमारी स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई है। अभी भी आई एम नॉट फीलिंग वेल, अभी भी बहुत आंखों में जलन है और सिर में दर्द है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के नेता, जो कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से दरअसल वहां पर जा रहे थे प्रदर्शन करने, वो और उनके कार्यकर्ता, लेकिन वहां उन्हें रोकने की कोशिश हुई और कुछ गुंडे वहां पर, जिनको वो कह रहे हैं टीएमसी के गुंडे, वहां पर पहुंचे और उन पर देसी बम भी फेंके गए, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस तरीके से बता रहे हैं वो कि काफी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो घायल भी हुए हैं, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस से झड़प भी हुई है, लकड़ी के जो बैरिकेड वहां पर लगाए गए थे उसको तोड़कर हमने वो तस्वीरें भी देखी जब बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आशिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, आशिका कोई और अपडेट? देखिए, फिलहाल एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है, ये खबर आ रही है, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय ने भी बताया। और
इसके अलावा कई कार्यकर्ता अभी भी घायल हैं, बेहोश हैं, और पार्टी के कई नेता जो है वो बीमार भी पड़े हैं, जैसा कैलाश विजयवर्गीय भी बता रहे थे। साथ ही फिलहाल वहां पर परिस्थिति नियंत्रण में है, पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने की पूरी कवायद जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस उस बीच झड़प भी हुई, और जो जानकारी आशिका दे रही है कि एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत भी हुई है, कई घायल भी बताए जा रहे हैं और कुछ गंभीर रूप से भी घायल बताए जा रहे हैं। आशिका, फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है? फिलहाल जो है परिस्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर अब भी जो है उस इलाके में मौजूद हैं और पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। हालांकि वहां से जो भी पार्टी के बड़े नेता हैं वो जा चुके हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये जो रैली या अभियान है ये पूरा हो चुका है और फिलहाल जो है किसी भी तरह से वहां से हिंसा की कोई भी खबर नहीं आ रही है। तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सचिवालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, साथ ही उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रदर्शन में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल थे। झड़प के दौरान सौमित्र खान को चोट लगने की भी खबर सामने आ रही है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे पश्चिम बंगाल की शाखा ने उत्तर बंगाल में भाई तेजस्वी और सुमित्र खान के नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया, किंतु ममता जी की सरकार ने जिस प्रकार अराजकता और गुंडागिरी देखी गई, निश्चित रूप से प्रजातंत्र की हत्या है। एक शांतिपूर्ण जुलूस जिसमें महिला कार्यकर्ता भी हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकना, उनके ऊपर टीएमसी के गुंडों ने बम फेंके और इस प्रकार अराजकता फैलाई। ममता बनर्जी की पुलिस और टीएमसी के गुंडे साथ मिलकर इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के विरुद्ध टीयर गैस शेल्स, कंट्री बॉम्ब और लाठीचार्ज किया है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता घायल हुआ है। ये हर दिन हर रोज बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब तक इस तानाशाही सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे, तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे, यही युवा मोर्चा के संकल्प है।